वेलकम टू संताजी कॉन्वेंट मेकर क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 यूरोप एंड इंडिया एक्सरसाइज पार्ट 5। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट ओपिनियन, मतलब ऑप्शन आपको वहाँ पर लिखना है। फर्स्ट इज इन द 1453 अ सिटी फिलिंग द मैक्स वॉज द कंक्लूडेड बाय द ओटाम ओमान तुर्क। एंसर नंबर इज बी कंटुमिलपिल। एंसर नंबर इज बी। नेक्स्ट इज द सेकंड द इंडियन रिवोल्यूशन बिगन। एंसर नंबर इज फर्स्ट इंग्लड। एंसर नंबर इज फर्स्ट इंग्लड। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स ट्राई टू द पुट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इनलीगल ट्रेड्स ऑफ ब्रिटिश। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सिराजुल इनलीगल टू द ब्रिटिश। हाँ यहाँ पर मीर कासिम ही आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। कॉलोनिज्म मतलब ये शॉर्ट नोट लिखना है आपका पेज नंबर, वहाँ पर आपको कल जो पिछले पार्ट था उस पिछले पार्ट में आपको संक्षिप्त देने के लिए मैंने ये नोट्स तैयार की, ये आपको आपके ग्रुप पर मिल जाएंगे। द कॉलोनिज्म मीन्स अ वन कंट्री द एक्सपेंस ऑफ द अनदर कंट्री द मेकिंग ऑफ द कॉलोनी। देखो क्या है कॉलोनिज्म का जो राइट शॉर्ट नोट्स आपको लिखने, वहाँ पर कॉलोनिज्म से लिखना है तो लास्ट वर्ड तक इंपेरियलिज्म अमंग द यूरोपियन यहाँ तक। ओके सेकंड इज अ इंपेरियलिज्म, मुझे वहाँ पर साम्राज्य साहिब किस प्रकार की कहा थी गई थी। द इंपेरियलिज्म मीन्स अ सिस्टम ऑफ द पावरफुल कंट्री कंट्रोल ऑफ द अदर कंट्री बाय द एस्टेब्लिशमेंट द ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिश द मेनी कॉलोनिकल। यहाँ से शुरू करना है तो यूरोपियन नेशन तक, क्या है यहाँ से शुरू करना है तो यूरोपियन नेशन तक आपको वहाँ पर शुरू करना है। नेक्स्ट एज ऑफ रिनाइसिस क्या है, नेक्स्ट इज एज ऑफ रिनाइसिस क्या है, एज ऑफ रिनाइसिस वहाँ तक दे दिए तो वहाँ तक आपको देखना है किस प्रकार का है। इन हिस्ट्री इन यूरोप, इन हिस्ट्री इन यूरोप, इन हिस्ट्री इन यूरोप अ लास्ट पेज ऑफ द मिडिवल पीरियड्स इन 13th to 16th century इज नोन एज द पीरियडिक ऑफ द रिनाइसिस। पीरियडिक ऑफ द रिनाइसिस इज कॉल्ड एज द रिफॉर्म रिलीजियंस द एज ऑफ रिनाइसिस, मतलब 16वें और 13वें शतक से शुरू करना है तो वहाँ पर आपको जो दे लें द सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ एडोलॉजी कहा तक है, आपके सामने स्क्रीन दिख रही है वहाँ से आपने लिख लेना है द सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ एडोलॉजी। ओके फोर्थ इज द कैपिटलिज्म वसाहतवादी विच इज द डॉक्यूमेंट्री ऑफ द न्यू इरा रूट बिगन अ न्यू इरा ट्रेड्स बिटवीन द यूरोप एंड एशिया, मतलब क्या है कि वो नए व्यापार के लिए जो यूरोपियन लोगों ने वहाँ पर जो समुद्री खोज वहाँ पर की थी वो आपको वहाँ पर लिखना है। यहाँ पर क्रिस्टोफस कोलंबियस वास्को द गामा ये सबका वहाँ पर इस्तेमाल होता है। व्हाइल द डिस्कवरी ऑफ द न्यू इरा सी रूट बिगेन अ न्यू इरा ट्रेड बिटवीन द यूरोप एंड एशिया वहाँ से शुरू करना है तो नीचे आपको दिया गया है कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोप। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड सिराजुद्दौला वॉज डिफेक्टेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। एंसर नंबर फर्स्ट इन 1756 सिराजुद्दौला बिकम अ नवाब ऑफ बंगाल। क्या है इन 1756 AD द सिराजुद्दीन दौला नवाब ऑफ बंगाल वहाँ से शुरू करना है तो जहाँ तक प्लासी की वहाँ पर लड़ाई हुई थी एक्चुअली ज्वाइन द बैटल एंड हीज द सिराजुद्दौला वॉज डिफेक्टेड, मतलब उसका वहाँ पर पराभव हुआ था। इस प्रकार का पहला प्रश्न का आंसर। द यूरोपियन कंट्री फील्स अ नेसेसिटी ऑफ द इन फाइंडिंग अ न्यू रूट ऑफ एशिया। अभी जो हमने वहाँ पर देखा आंसर सेम क्या है, अभी जो हमने वहाँ पर देखा आंसर इज सेम पर भी आप देखेंगे और व्हाइल द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सी इरा While the discovery of new sea era began a new era trade between the Europe and Asia, the many trade become the from to the trade of distance. The country, those of the sea route, it was not easy to carry out trade. Began the handlings of the hence the many trades become together and started. Thus, there was the rise of the many trading company. इसके बाद आपने देखा होगा कि lead of the actual तक वहाँ पर शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यूरोपियन रूल स्टार्टेड द गिवन द मिलिट्री प्रोटेक्शन ऑन ट्रेड कंक्लूजेशंस ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी।
कि भाई यूरोपीय लोगों ने वहाँ पर क्या है कि व्यापारिक केंद्र, जो व्यापारिक केंद्र वहाँ पर बढ़ते जाता था उसको वहाँ पर सुरक्षित देने क्यों महत्वपूर्ण ठहरा। तो यहाँ पर आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। इन अर्ली यूरो हिस्ट्री द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फर्स्ट बुल्ट इन बंगाल इन द 1651। दे स्टार्टेड द ट्रेडिंग कंपनी एंड द फ्लॉटली विच द सेवरल किंगडम ऑफ बंगाल। वहाँ से शुरू करनी है तो आपको वहाँ पर द गिवन मिलिट्री प्रोटेक्शन ट्रेड टू द ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ तक आपको लिखना है। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पिछले पार्ट में हमने देखा था, वहाँ पर हमने आपको बोर्ड करके दिखाया था, मतलब वहाँ पर हाईलाइटिंग करके आपको दिखाया था। नहीं भी देखते हो तो यहाँ पर देखेंगे। पहला दिया है रिचेस्ट द ट्रिप ऑफ साउथ अफ्रीका, वहाँ पर दिया है आपका आंसर यहाँ पर बर्थोमियस दास डायस, बर्थोमियस डायस। सेकंड है रिचेस्ट अमेरिका क्रिस्टोफस कोलंबस, और थर्ड है रिचेस्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इन कलिकत पोर्ट, कालीकत पोर्ट वास्को द गामा। इस प्रकार का यह जो टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। इस प्रकार का हमारा एक्सरसाइज